शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के लिए आज डिजिटल दुआया तकरीब होगी। दाऊद ग्रुप के ट्रस्टी की याद में जियो न्यूज की रिपोर्ट। कहा पढ़ और गौर कर, कायनात बस यूं ही नहीं बनाई, ये रिदम है जिंदगी का, समझ और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर, आजिजी और शुक्र से रहने वाला बनकर। दाऊद फाउंडेशन के ट्रस्टी शहजादा दाऊद एक पढ़ाई करने वाली शख्सियत थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दिलदार थे, नई नई चीज़ें समझना, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे कारोबार कर बनाना, ये उनका खासा था। एंग्रो ग्रुप के ऐलामिए में उन्हें ग्रुप को जिद्दत की तरफ ढकेलने वाला कहा गया है। एंग्रो ग्रुप के कारोबार पर नज़र डालें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नज़र आती है। पढ़ने का, नए तजर्बे करने का शौक ले गया बाप बेटे को बहरे ओकियानूस टाइटैनिक मलबा देखने की डाइव पर। इंसान के उड़ने के सफ़र का इब्तदाई दौर भी हादसात का शिकार रहा, लेकिन इंसान पढ़ने से, नए तजर्बात करने से कहाँ रुक रहा है। एलन मस्क तो मरीख ले जाने की कोशिशों में है। एंग्रो एलामिए में शहजादा दाऊद को आजिज, हर वक्त दस्तयाब रहने वाली और अपनी कमाई से समाज पर खर्च करने वाली और दूसरों को इसका दर्स देने वाली शख्सियत कहा है, और कहा है कि जो उन्हें जानते थे वो उनकी कमी महसूस करेंगे। बात दरअसल ये है कि एक हफ्ते में शहजादा दाऊद को दुनिया ने जाना है। दुनिया की हमदर्दियाँ रही उनके साथ और दुनिया उनके जाने पर दुखी है। लेकिन इस पर एक व्यू ये भी है कि पढ़ने की एक कोशिश जहाँ फ़ानी से रुखसत का सबब बन गई। देर सवेर हम सब ने भी तो वहाँ पहुँचना है, क्योंकि हम उसी से हैं। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।